Hello everyone, welcome to Neha's Creativity. Hope you all are doing well. आज है संडे और अभी मॉर्निंग का टाइम हुआ है 8 o'clock. तो अभी हम लोग अपनी मॉर्निंग टी पियेंगे. तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ अपने न्यू कप्स जो मैं इंडिया से लेकर आई हूँ. और चाय छानने के बाद मैं हमेशा अपना पैन ऐसे वॉश करके और पानी डाल के रख देती हूँ, क्योंकि फिर पैन को क्लीन करना बहुत इजी हो जाता है. तो ऐसे कुल्हड़ वाले जो कप्स रहते हैं, इनमें जो चाय पीने का मज़ा है वो एकदम अलग ही आता है. और मॉर्निंग का टाइम यहाँ पे, अभी ठंड भी काफ़ी शुरू हो गई है, तो आप वेदर देख ही सकते हैं. तो आज थोड़ा सा रेनी लग रहा है और आज हमारे फ्रेंड्स भी एक लंच पे आने वाले हैं, तो मुझे अभी उसका भी प्रिपरेशन करना है. तो बस अभी हम लोग अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं और अनवित से थोड़ा बातें कर रहे हैं. तो आज लंच में मैं बनाऊंगी राजमा और कढ़ाई पनीर. तो राजमा मैंने रात में ही सोक करके रख दिया था, तो रात वाला जो पानी है इसको मैं गिरा दूंगी और इसको वापस अच्छे से वॉश करूंगी 2-3 पानी से. और फिर इसको नमक डालकर कुकर में विसल लगाने के लिए रखूंगी. तो बस मैं अभी आ गई हूँ घर की क्लीनिंग करने के लिए. और जब तक मेरे राजमा उबलेंगे तब तक घर की क्लीनिंग भी हो जाएगी. और नहाने जाने से पहले घर की क्लीनिंग कर लूँगी तो सही रहेगा. फिर नहा के आने के बाद बाकी फिर मैं और कुकिंग का काम करूँगी और जो भी थोड़े छोटे मोटे काम रहते हैं वो करूँगी. तो मेरी क्लीनिंग हो गई है और मैं भी आई हूँ फ्रीज से वेजिटेबल्स निकालने के लिए. जो भी मेरा दोपहर में ज़रूरत पड़ेगा तो उसको मैं अभी वॉश करके सब रख दूँगी, तो फिर मुझे काफ़ी इजी हो जाएगा कुकिंग करने के लिए. तो अभी मैं आई हूँ शावर लेके और ब्रेकफास्ट भी हम लोगों का हो गया है, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट हम लोगों ने बहुत लाइट किया क्योंकि लंच काफी हैवी होने वाला है. तो ब्रेकफास्ट में मिल्क लिया और उसके साथ हम लोगों ने टोस्ट लिया, क्योंकि ऐसे अगर कभी लंच हैवी होता है तो हम लोग ब्रेकफास्ट बहुत ज्यादा लाइट करते हैं, क्योंकि सुबह भी हैवी और लंच में भी हैवी, तो ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है और ठीक भी नहीं लगता है. तो बस मैं अभी शुरू करूंगी अपनी कुकिंग. तो अब बस वही अभी सब मसालों की तैयारी करनी है. तो सबसे पहले कढ़ाई पनीर बनाऊंगी, क्योंकि कढ़ाई पनीर जब तक पकता रहेगा तो तब तक मैं ये अपना जो राजमा है उसको भी तैयार कर लूंगी. तो ऐसे मैं जब पैरेलली एक साथ कुकिंग करती हूँ तो काम बहुत जल्दी ही हो जाता है. तो बस मैं अभी वही करने वाली हूँ. तो आज मैं डिफरेंट स्टाइल का कढ़ाई पनीर बनाने वाली हूँ. तो इसके लिए मुझे जो अनियन है वो बहुत बारीक चाहिए, तो उसके लिए मैं अपना फूड प्रोसेसर यूज़ कर रही हूँ. तो सबसे पहले मैं कुछ खड़े मसालों को ड्राई रोस्ट करूँगी. तो इसके लिए मैंने लिया है साबुत धनिया और सौंफ और जीरा, और 2 लूंगी साबुत लाल मिर्च. तो इनको मैं थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक भूनूंगी और इनका जब थोड़ा सा अरोमा आ जाएगा तो इनको मैं तब तक रोस्ट करूंगी. तो मेरे ये मसाले लाइट ब्राउन हो गए हैं और इसमें से अरोमा भी बाहर आ रहा है, तो इसको रोस्ट करने के लिए मुझे 2-3 मिनट लगा और मैं भी इनको ठंडा होने के लिए रखूंगी. तो मैंने कढ़ाई को वापस फ्लेम पर रखा है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ घी.
और इसमें मैं ऐड करूंगी खड़े मसाले, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी और साबुत काली मिर्च। और इसमें मैंने ऐड किया है जीरा और मैं इसमें भी ऐड करूंगी चॉप्ड अनियन और इसको लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। तो मैं अभी जिंजर और गार्लिक को ही क्रश्ड कर रही हूँ कढ़ाई पनीर के लिए। तो मैंने जिंजर गार्लिक को भी अनियन में ऐड कर दिया है और इसको मैं लो फ्लेम पर ही भूनूंगी, क्योंकि आज मैं जो कढ़ाई पनीर बनाने वाली हूँ इसमें मैं बाद में प्योरे नहीं करूँगी। और मैं अभी राजमा के लिए ही अनियन चॉप कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मेरा अनियन फ्राई होता है कढ़ाई मसाले के लिए तब तक मैं पैरेलल ये काम कर रही हूँ। तो मैंने राजमा के लिए अनियन तो चॉप किया है और साथ में मैं अदरक को जूलियन में कट कर रही हूँ, क्योंकि राजमा में जब हम अदरक ऐसे डालते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो एकदम अलग आता है। और अभी मैं जिंजर सॉरी गार्लिक को ही क्रश कर रही हूँ मोटर पैसल में। तो मैंने कढ़ाई पनीर की जो कढ़ाई है उसको मैंने दूसरी गैस पर ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि जब तक उसका अनियन कुक होगा तो मैं राजमे के मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने पैन में लिया है ऑयल और उसमें मैंने डाले हैं कुछ खड़े मसाले और मैं भी ऐड कर रही हूँ जीरा और अभी मैं इसमें डालूँगी चॉप्ड अनियन और जिंजर और इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। तो मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ 2 स्लिट ग्रीन चिलीज। तो ग्रीन चिली को ऐसे स्लिट करके ऐड करना ही चाहिए, वरना वो पटक के बहुत तेज मुंह पे भी लग सकती है और ऐसा मेरे साथ एक बार हो चुका है। तो जो कढ़ाई पनीर के अनियन हैं वो बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो मैंने अभी इसमें ऐड किए हैं टोमेटो, तो टोमेटो को भी मैंने ऐसे फूड प्रोसेसर में ही चॉप किया है, प्योरे नहीं किया है। तो मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई मसाले जिसमें मैंने लिया है कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली, तो ये बहुत ही अच्छा कलर देगी। और आज मैं ये वाले मसाले को प्योरे नहीं करूँगी, तो लो फ्लेम पर इसको अच्छे से पकाऊँगी, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का बना रही हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया है किचन किंग मसाला, तो इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और बस मैं भी इसको ढककर कुक करूँगी। तो जो राजमा के लिए अनियन थी वो भी बहुत अच्छे से भुन गई है और मैं भी इसमें ऐड कर रही हूँ टोमेटो का प्योरे और इसमें ऐड करूँगी ड्राई मसाले, तो उसके लिए कोरिएंडर पाउडर और इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला और इसमें मैं ऐड करूँगी राजमा मसाला। तो मैं इसमें रेड चिली नहीं डाल रही हूँ, आप रेड चिली डालिए तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि अनवित राजमा शेयर करेगा हमारे साथ, तो इसलिए मैं इसमें रेड चिली नहीं ऐड कर रही हूँ। और इस मसाले को अच्छे से भूनने के बाद मैं इसको ऐड कर दूंगी राजमे में और पानी देखूंगी, अगर ज़रूरत है तो उसमें थोड़ा पानी डालने के बाद फिर मैं उसमें विसल लगाऊंगी एक और दो, क्योंकि इससे क्या होता है राजमे में जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है राजमे में। तो बस मैं अभी यही करूँगी। तो कढ़ाई पनीर का जो मसाला है उसको भी मैं ऐसे बीच बीच में चलाते रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, तो बीच में लगने का डर है, तो पानी में बाद में ऐड करूँगी जब मसाले अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। और जो हमने खड़े मसाले रोस्ट किए थे उनको ही मैं मोटर पैसल में क्रश कर रही हूँ, तो बस मैं अभी इन क्रश मसाला को ही कढ़ाई पनीर वाले मसाले में डालूंगी और आप देखिए कितना अच्छा कलर आया है मेरे कढ़ाई पनीर के मसाले का। और इसमें मैंने ऐड किए हैं 1 कैप्सिकम और 1 अनियन और जो मैंने मसाला क्रश किया था वो, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट।
तो बस मैं इसको अभी ढककर थोड़ा सा पकाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा जो शिमला मिर्च है और अनियन है वो थोड़ा सा गलना चाहिए। और तब तक मैं यहाँ से जो भी अब तक सब इधर उधर सामान हुआ है वो सब क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे बीच बीच में ऐसे ही क्लीन करने का हैबिट है। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट काम करूँगी, तो ऐसे बीच बीच में क्लीन करते रहती हूँ तो मेरा काम भी आगे का नहीं बढ़ता है और आगे का फिर काम करने में भी मन लगता है। तो जो बस अभी के मेरे बर्तन हुए हैं वो मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि बाद में फिर आगे का जो काम है वो मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो किचन क्लीन हो गई है आगे का काम करने के लिए। और यूके में जो पनीर आता है उसको ऐसे थोड़ा सा गर्म पानी में सोक करके रखना पड़ता है, तभी वो सॉफ्ट होता है। तो अगर आप लोग यूके में रहते हैं और ऐसे पनीर यूज़ करते हैं तो शायद आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, गर्म पानी में सोक करते होंगे। और अगर नहीं करते तो आप ज़रूर करिएगा ऐसे, तो आपको खुद ही फ़र्क दिखाई देगा। तो बस मैं अभी अपने राइस कुकर में राइस ही बनने के लिए रख रही हूँ, तो ऐसे पैरेलली मेरे राइस भी बन जाएंगे तो मुझे काफ़ी इजी हो जाएगा और राइस को बार बार चलाना नहीं पड़ेगा। तो अभी कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी अभी अच्छे से पक गई हैं, तो मैं इसमें भी ऐड कर रही हूँ पनीर। और मैं इसको बहुत ज़्यादा सूखा नहीं बना रही हूँ, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी योगर्ट, तो इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। अगर आपको पानी ऐड नहीं करना तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको, अगर आप लोग ड्राई बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी ड्राई नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा देर और पकने के लिए रखूँगी, क्योंकि हम इसको जितना पकाएंगे उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो बस मैं अभी लगाने के लिए जा रही हूँ आटा, और आटा मैं थोड़ा गर्म पानी की हेल्प से, जो गुनगुना पानी होता है उसकी हेल्प से लगाती हूँ, तो इससे जो आटा है हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है और रोटी भी एकदम फूली फूली बनती है। तो बस मैं अभी वही कर रही हूँ। तो मैं अभी वेजिटेबल्स को वॉश कर रही हूँ सलाद बनाने के लिए। तो सलाद में मैंने लिया है रेडिश, कुकुम्बर, टोमेटो और अनियन। तो अभी मैं इनको सबको बारीक बारीक ऐसे गोल गोल चॉप करूँगी, क्योंकि सलाद में ऐसे मुझे गोल गोल जो शेप रहता है वो करना ज़्यादा पसंद है। तो सलाद मेरा सब कट गया है, तो मैं अभी इसकी ड्रेसिंग ही करूँगी। तो उसके लिए मैं सॉल्ट ले रही हूँ, और उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, और ये सीजनिंग है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन। कढ़ाई पनीर मेरा रेडी हो गया है, तो आप इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है, और खाने में भी बहुत ही अच्छा बना था। तो बस मैं अभी सब फ्लेम को ही ऑफ कर रही हूँ, और मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या मेरा तैयार है। तो ये कल मैंने एक पाइनएप्पल करी बनाई थी, क्योंकि ये केरला की पाइनएप्पल करी है, और उसको बोलते हैं कि एक दिन पहले अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, और रियली इसका जो आउटकम था वो बहुत ही अच्छा आया था। तो ऐसे सैलेड भी मेरा रेडी हो गया है, आटा भी मेरा रेडी है, तो जब मैं इसको बनाऊंगी तब मल लूंगी अच्छे से, और यहाँ पे मेरे राइस कुक हो रहे हैं। तो फाइनली अभी जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी आने वाले हैं, और बस मैं अभी किचन में आ गई हूँ थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद, और रोटी बनाने के लिए ही जा रही हूँ। आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है रखने के बाद, तो ऐसे अगर हम थोड़ी देर पहले आटा लगा के रख देते हैं तो आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता है, रोटी बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो भी आप देखिएगा मेरी रोटी कितनी फूली फूली बनेगी, और हम लोग रोटी बहुत ही पतली खाते हैं, एकदम मोटी मोटी नहीं खाते हैं। तो ऐसे जो पतली रोटी होती हैं और करारी करारी, तो वो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है।
लोग खाना खाने के लिए ही जा रहे हैं, और सब्जियों को याद रहे कोरिएंडर से गार्निश करना ना भूलें, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा फ्लेवर आता है। तो बस अभी हम लोग लंच ही करेंगे। तो बस हम लोगों का लंच हो गया था और फ्रेंड्स भी अभी चले गए हैं, तो लंच काफ़ी अच्छा बना था, सब लोगों ने काफ़ी तारीफ किया। तो कढ़ाई पनीर को आज नंबर 1 मिला है। तो कढ़ाई पनीर बनाने में मैंने मेहनत काफ़ी किया था, क्योंकि लो फ्लेम पर ऐसे सब कुछ पकाया था, तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो गया था। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना, तो अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। तो बस मैं अभी किचन में जो मेरा फूड बचा था मैंने वो खाली किया, और अभी मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ और साथ में किचन भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि शाम को तो जो भी कुछ बनेगा थोड़ा लाइट ही बनेगा, क्योंकि लंच काफ़ी हैवी हुआ है। तो बस मैं ऐसे तुरंत ही अपना सब काम करके रख देती हूँ, तो मुझे बहुत ईजी हो जाता है, वरना जब शाम को किचन में आऊँगी तो फिर लगेगा अरे वापस फिर से काम पड़ा है और काम करना है। तो अगर एक साथ ही ऐसे सब काम निपटा के बैठें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो जब कुछ भी मेरा ऐसे घर पे डिनर या लंच होता है तो मैं एक साथ ही अपना सब काम निपटा के तब बैठती हूँ, ताकि मैं शाम तक फिर फ्री रहूँ। तो बस आज का मेरा रूटीन, लंच रूटीन ऐसे ही था। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।